देहरादून में महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने बहुत बातें की थी महंगाई की, कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी अपने इसी नारे को भूल गई। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुए हैं वैसे ही जो मोदी सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसने हर चीज पे दाम बढ़ा दिए, चाहे पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम छठवीं बार आज सुबह बढ़ा है, गैस सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़े हैं, सब्जियां महंगी हो गई, दाल महंगी हो गई। तो ये तो जनता के ऊपर एक लूट है जो सरकार इलेक्शन खत्म होकर तुरंत चालू कर दी है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ आज एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप महिलाओं के बजट को खराब करोगे तो फिर हम लोग आपके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। देखिए, आप लोगों ने देखा।